जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हट करें, आज हम लोग अपने टॉपिक में ब्लड डोनेशन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आज अब मैंने अपने लाइफ में पहली बार ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेशन को लेकर मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सभी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि जो ब्लड डोनेशन करने से क्या फ़ायदा है, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में हम लोग ब्लड डोनेशन को लेकर सभी जो जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो जानेंगे कि इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या बेनिफिट्स है, कौन लोग ब्लड दे सकते हैं, साथ में हमें इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो माय फर्स्ट ब्लड डोनेशन, तो चूंकि आज मैंने अपना पहला जो ब्लड है वो अपने लाइफ में डोनेट किया है, तो उसी को लेकर ये जो है वो हेडलाइन है। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ सिर्फ और ये है कि आपका जो हमारे देश में जो लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर, तो उनमें अवेयरनेस आ पाए, उनमें जागरूक आ पाए, यानी कि वो ब्लड डोनेशन को लेकर उनके मन में जो भी अफवाह है, जो भी मिथ है वो दूर हो सके। अभी भी आप जानते हैं कि हमारे देश में कई लोग जो है वो ब्लड देने से कतराते हैं, क्योंकि उनके बीच एक अफवाह फैली हुई है, एक मिथ है कि ब्लड डोनेट करने पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फलाना टिकाना, बहुत सारे मिथ है जिनके डर के वजह से आज भी कई सारे जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, और सिर्फ जागरूकता की कमी के कारण है। आज भी हमारे देश में हजारों लोगों की जो मृत्यु है वो टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाने के कारण है। एक सर्वे से पता चलता है कि हमारे देश में लगभग एक साल में 4 करोड़ यूनिट जो है वो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे देश में जो अवेलेबल जो ब्लड रहता है वो सिर्फ 40 लाख यूनिट होता है। तो 4 करोड़ यूनिट की ज़रूरत है और आपका 40 लाख है, तो लगभग 10 गुना जो है अभी भी कम है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अभी भी कमी है। तो समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भी हमारे देश में इतना ज़्यादा ब्लड की कमी है। तो ये वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ पाए और ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और कोई नुकसान है कि नहीं उनको भी पता चल पाए, और उनके मन में जो भी मिथ और जो अफवाह है वो दूर हो पाए। तो आप समझते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में कि इसका क्या इतिहास है, कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो देखिए, हर 14 जून को, यानी हर साल जो 14 जून होता है उसको, उस दिन हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो WHO के द्वारा किया गया था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2004 ईस्वी में ही इन्होंने सबसे पहले 14 जून को ये स्टार्ट किया था, ताकि लोगों में जागरूक हो पाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर पाए और लोगों की जो जान है वो सेव कर पाए। देखिए, हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं वो किसी न किसी लोगों की जान बचाती है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस दान को रक्त महादान कहा जाता है। दानों में से जो महादान होता है वो रक्त महादान होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है WHO ने इसलिए 2004 से ये स्टार्ट किया कि 14 जून को आपका हर साल जो है वो ये मनाया जाएगा, ताकि लोगों में जागरूकता फैल पाए। अब देखिए, ये 14 जून को ही क्यों मनाया गया, तो इसके पीछे एक रीजन है। ओके, हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो ऑस्ट्रेलियन थे, कार्ल लेड स्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और इनका जो जन्मदिन था वो 14 जून को ही था। तो इन्हीं के उपलक्ष में, इन्हीं के यादगार में, इनके जन्मदिन के अवसर पे ही 14 जून को ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और ये चूंकि कार्ल लेड स्टीनर जो थे, उन्होंने ब्लड जो ग्रुप था उनकी जो खोज किए थे, तो उसके उपलक्ष में उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब आप ये सोचेंगे कि ब्लड ग्रुप खोजने से ऐसा क्या बात हो गई कि उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो बड़े क्षेत्रों में काम करने पर ही दिया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे एक कारण है। जब तक हम लोगों को ये ब्लड जो ग्रुप है वो पता नहीं था, तो उससे पहले अगर यदि किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती थी और यदि उसको ब्लड चढ़ाया जाता था, तो जिनका लक अच्छा था, यानी ब्लड मैच कर जाता था, सूट कर जाता था, तो उनकी जान तो बच जाती थी, लेकिन अगर कोई ग्रुप की वजह से मैच नहीं हो पाता था तो इसके वजह से क्या होता था कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण होता था क्योंकि ब्लड ग्रुप पता नहीं रहता था, ठीक है। तो जो मन ब्लड हुआ वो चढ़ा दिए, तो जिसका भाग अच्छा हुआ उसकी जान बच गई, जिसका खराब हुआ वो जान चली गई। तो ये जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया था कि ब्लड ग्रुप की खोज उन्होंने करके, कि जो ये AB और AB और O जो था, ये ब्लड ग्रुप, इसकी खोज करके उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया, जिससे बहुत सारे लोगों की आज भी जान बचती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, इसलिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया।
किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज जो है उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ये मिथ होता है, अफवाह है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना टिकाना, बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनके मन में डाउट होता है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज में अगर बात करें तो इसमें कोई भी डिसएडवांटेज है ही नहीं, 1% भी इसमें कोई डिसएडवांटेज है नहीं। आप चाहे किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप चाहे किसी इंसान से पूछ लीजिए जो कि ब्लड डोनेट किया हो, चाहे आप यूट्यूब में देख लीजिए, आप गूगल में रिसर्च कर लीजिए, हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगा कि ब्लड डोनेशन करने का फ़ायदा ही है, कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं है। इसके विपरीत इसके कई सारे बेनिफिट्स ही है जिसको अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी हम लोग इसके बेनिफिट्स को समझते हैं कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। सामने वाले को तो फायदा होगा ही, लेकिन आपको क्या फ़ायदा है पहले आप लोग हम लोग उसको जानते हैं। जिसमें पहला जो फ़ायदा है, गुड फॉर हार्ट, आपका जो ये हार्ट है, जो दिल है, उसके लिए ये अच्छा होता है कि अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होगी वो दूर होगी। नेक्स्ट जो है, रिड्यूस कैंसर रिस्क। आज भी जानते हैं कि लोगों में हर घर में आपको कहीं ना कहीं कैंसर देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, इतनी तेज़ी से ये फैल रहा है। तो ये जो कैंसर होने का जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट जो है, बूस्ट न्यू रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ब्लड डोनेट हम लोग करते हैं तो उसके पूर्ति के लिए न्यू रेड ब्लड सेल का भी प्रोडक्शन होता है, उसको भी बूस्टअप करता है। नेक्स्ट जो है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसको भी वो मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है, हेल्प वेट लॉस। तो अगर किसी का वेट लॉस ज़्यादा है तो उनको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से जो है वो वेट जो है वो लॉस होता है, वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है, ओके। नेक्स्ट जो है, हेल्प टू ग्लो स्किन एंड फेस। किसी को स्किन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ब्लड डोनेशन करने से एक तो स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ में आपका जो फेस है, जो स्किन है, वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, लीवर गेट हेल्दी। आपका जो लीवर है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो लीवर का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होता है, साथ में आपका लीवर जो है वो हेल्दी रहता है। नेक्स्ट जो है, रिड्यूस हाइपरटेंशन। आपका जो जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है तो उसका जो हाइपरटेंशन है ब्लड डोनेशन करने के बाद वो रिड्यूस होता है, कंट्रोल होता है, ओके। नेक्स्ट जो है, गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। अब नए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा हमारे शरीर में अच्छा होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो ह्यूमन हेल्थ भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है, मेक रिफ्रेश एंड हैप्पीनेस। तो देखिए, अब जब भी हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, नया ब्लड सेल जो है उसका फॉर्मेशन होगा, और नया अगर हमारे शरीर में कुछ फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको अंदर से कुछ रिफ्रेश टाइप का महसूस होगा, ताजी महसूस होगी, ठीक है। और साथ में आपको हैप्पीनेस लगेगा, आपका मन ये सोचेगा कि आपका जो ब्लड आपने डोनेट किया वो किसी नए लोगों का जान बचाएगा, ठीक है। तो आप ये सोच के आपको एक हैप्पीनेस महसूस होगा कि आपका ब्लड जो है वो अच्छे कामों के लिए जो है वो यूटिलाइज होगा, ओके। तो ये इतने सारे जो चीज़ें होंगे ये आपके लिए बेनिफिट्स हो गया, ओके। आप समझते हैं कि आपने जो ब्लड दिया है तो उससे सामने वाले को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, एक हेल्दी पर्सन से जो ब्लड जब हम लोग डोनेट करते हैं तो एक हेल्दी पर्सन से जो ब्लड लिया जाता है वो लगभग 1 यूनिट जो है वो ब्लड लिया जाता है। 1 यूनिट यानी कि लगभग आपका जो है वो 500 ml होता है, ओके। 500 ml, कहीं कहीं आपको 525 भी मिलेगा, तो एक एवरेज 500 ml होता है 1 यूनिट ब्लड। तो ये जो 500 ml ब्लड है इससे जो है आपका 3 लोगों की लगभग जान बचाई जाती है, 3 लोगों का। ये जो ब्लड जो आपका जो ये निकला हुआ है 500 ml, ये क्या है, 3 भागों में इसको फिल्टर करके विभाजित कर दिया जाता है। एक को बदल दिया जाता है RBC में, RBC मतलब इससे निकाल लिया जाता है। एक को निकाल लिया जाता है प्लेटलेट्स फॉर्म में, ठीक है, प्लेटलेट्स इससे जो भी है वो निकल जाते हैं, और एक से आपका जो है वो प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो आपने ब्लड दिया वो 3 भागों में विभाजित कर लिया जाता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है, और ये अलग अलग 3 लोगों को चढ़ाया जाता है। किसी को RBC जरूरत है तो RBC, किसी को प्लेटलेट्स, किसी को प्लाज्मा। तो आपने जो ये ब्लड दिया तो 3 लोगों की जान बचाता है, ओके। तो आपने देखा कि इतनी सारी जो है इसके बेनिफिट्स है। तो अब आप सोचते होंगे कि हमें भी जरूर ब्लड देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, आपको भी ब्लड जरूर देना चाहिए, लेकिन क्या क्राइटेरिया है ब्लड देने के लिए ये भी जानना जरूरी है। तो पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो जो ब्लड डोनर है जिसको ब्लड देना है उसका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए, उसका वेट जो है 45 kg प्लस होना चाहिए, और वो एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए यानी कि वो स्वस्थ होना चाहिए। अगर कोई भी एक सीवर डिजीज है उनको, तो उनको ब्लड नहीं देना है, लाइक HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोरोना हो गया, कोई ऐसी सीवियर बीमारी है तो वो ब्लड नहीं दे सकते हैं, ओके।
तो ये अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप हर 3 महीने के अंतराल में आप ब्लड दे सकते हैं, यानी साल में जो है वो 4 बार आप ब्लड दे सकते हैं। और इसके उपलक्ष में आपको एक बेनिफिट्स और होगा कि आपको एक कार्ड मिलेगा, ठीक है, एक कार्ड मिलेगा जिसमें मेंशन रहेगा कि आपने कितनी बार जो है वो ब्लड दिया है। इसका फायदा ये है कि आपको कभी अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक से आपको बहुत ही आसानी से ब्लड जो है वो अवेलेबल रहेगा, आपको सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पे ये बेनिफिट्स हो गया। अब एट द लास्ट बात आती है कि माई एक्सपीरियंस, कि मैंने जो आज ही मैंने ब्लड डोनेट किया है तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कैसा फील हुआ। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी सारे मैंने बातें कही तो इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसको मैंने खुद ही पर्सनली फील किया। जैसे मुझे जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो जब मैं बाहर आया तो मुझे एक हल्का सा महसूस हुआ, ठीक है, मैं अपने आप को लाइट महसूस कर रहा था। और साथ में एक जो ये हैप्पीनेस की बात आई तो सच में ये हैप्पीनेस तो लगता ही है कि आपने ब्लड डोनेट किया और आपके ब्लड किसी लोगों की जान बचाएगी, तो ये आपके लिए कितना मतलब अच्छी बात है। मन से आपको अच्छा लगेगा, दिल में आपकी खुशी होगी, ठीक है, इसलिए इस दान को महादान कहा जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बोलूँगा यही चीज़ कि आप लोग भी जब भी मौका मिले आप ब्लड डोनेट कीजिए। साल में 4 बार नहीं, कम से कम 2 बार तो आप जरूर कर सकते हैं। इससे आपका भी फायदा है और सामने वाले का भी फायदा है और हमारे देश में जो ब्लड की कमी है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझते होंगे और चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग ने कितनी बार ब्लड दिया है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उसे पढ़ के लोग जो है वो जागरूक हो पाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर करें ताकि हर लोगों के बीच में यह जागरूकता फैल पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।